छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विश्व आदिवासी दिवस पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी के महान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, उनकी बेहतरीन के लिए लगातार काम हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांव के बेहतरी और तरक्की के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। भाजपा सरकार आदिवासियों के बेहतरी और तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही निकाय चुनाव एक साथ कराने सरकार द्वारा मांगे सुझाव पर भी अरुण साहब ने बयान दिया। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नजदीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं, विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।